हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फिबोनैसी सीरीज़ का प्रोग्राम। तो सीखते हैं, चलिए बिना टाइम गवाए हुए। हमने अपनी विंडो पे आईडीएलई को ओपन किया। प्रोग्राम बनाने के लिए आईडीएलई को ओपन करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो ऑप्शन पे जाएंगे, न्यू फाइल पे। यहाँ पर हम फिबोनैसी सीरीज़ का प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम सीखेंगे पहले कि फिबोनैसी सीरीज़ होती क्या है। तो फिबोनैकी ये एक सीरीज़ है, और इस सीरीज़ में क्या होते हैं, इसमें कुछ स्टेप होते हैं। जैसे कि फिबोनैसी सीरीज़ का स्टेप है कि स्टार्टिंग में जीरो और वन अपने आप से कंसिडर किया जाएगा, यानी कि यूज़र इनिशलाइज करेगा। उसके बाद आने वाले जो टर्म है इस सीरीज़ के, वो इन दोनों के एडिशन से, यानी कि लास्ट के टू टर्म के एडिशन से अगला टर्म बनता है। तो 0, 1 ये दो हमने इनिशलाइज कर दिए। इसके बाद जो अगला बनेगा वो इन दोनों के एडिशन से बनेगा। तो 0 और 1 इनको जोड़ेंगे तो बनता है 1। अगला स्टेप में ऐड होगा 1 और 1 का, तो बन जाएगी 2। अगला स्टेप में 2 और 1 का ऐड होगा तो बन जाएगा 3। यानी कि हमें लास्ट के 2 टर्म का ऐड करना है, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो अगला टर्म बनेगा। यानी कि अभी 3 2 का ऐड होगा तो 5 बन जाएगा, फिर 5 3 का ऐड होगा तो 13 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी सीरीज़ के टर्म आगे की तरफ बनते जाएंगे। तो हमें सीखना है कि हम इसके प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, यानी कि इस सीरीज़ का प्रोग्राम कैसे बनाएगा फिबोनैसी सीरीज़ का। तो ये सीरीज़ हमें एंड टर्म तक डिस्प्ले करनी है। तो देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो हमें सबसे पहले यूज़र से एंड टर्म का इनपुट मांगना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रोग्राम में एक इनपुट मांगेंगे। अच्छा, ये चीज़ आपको पता होगी कि अगर हमें पाइथन में किसी भी लाइन को कमेंट लाइन बनाना है, तो उसके लिए हम हैश टैग का यूज़ करते हैं, जिससे वो लाइन कमेंट लाइन बन जाती है। तो हम दोनों के आगे हैश टैग यूज़ करेंगे, जिससे वो कमेंट लाइन बन जाए। अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो हम प्रोग्राम में सबसे पहले एंड टर्म का इनपुट मांगेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे एन इक्वल इंट, ब्रैकेट में इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे इनपुट लेने के लिए। यहाँ पर लिख देंगे एंटर योर टर्म्स। तो इसको देख करके यूज़र अपने टर्म्स को इनपुट करेगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद अब हमें प्रोग्राम बनाना है। हमने एंड टर्म का इनपुट ले लिया। अब उसने बोला था कि स्टार्टिंग के 2 टर्म्स यूज़र इनिशियलाइज कराएगा। तो इसको देखते हुए हम 2 वेरिएबल लेंगे, जिसमें ये वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। तो हम ए को देते हैं 0 और हम बी को देते हैं 1। तो ऐसे करके हमने ए को 0 और बी को 1 दे दिया। अब हमें क्या करना है, उसने बोला है कि लास्ट के 2 टर्म्स का एडिशन अगला टर्म बनेगा। तो स्टार्टिंग के 2 टर्म हमें डिस्प्ले भी करने हैं और आगे के टर्म भी डिस्प्ले करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके दोनों वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे। तो कुछ इस तरीके से a, b, हम यहाँ पर एंड इक्वल का यूज़ करेंगे ताकि लाइन चेंज ना हो। तो एंड इक्वल और यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, कॉमा कुछ इस तरीके से। तो ये स्टार्टिंग के 2 टर्म डिस्प्ले कर देगा। ए और बी के बीच में भी अगर हम कॉमा देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डबल कोट्स में कॉमा ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो पहले वो ए की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, फिर एक कॉमा देगा, उसके बाद बी की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, उसके बाद फिर एक कॉमा देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर फिर से एक कॉमा देंगे और फिर वो एंड इक्वल से लाइन चेंज नहीं करेगा। तो हम ये कॉमा हटा सकते हैं क्योंकि एंड इक्वल में भी एक कॉमा लगा हुआ है। तो अभी हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो इस तरीके से ए कॉमा और बी कॉमा, यानी कि स्टार्टिंग के 2 टर्म डिस्प्ले हो गए यहाँ से, 0 और 1। अब हमें अगला जो टर्म है वो उसने बोला था कि लास्ट के 2 टर्म्स का एडिशन अगला टर्म बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अगले टर्म को बनाने के लिए इनका एडिशन करेंगे। तो हमने किया c = a + b। ऐसा करने से क्या होगा, ए और बी यानी कि स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का एडिशन होगा, जिससे सी में एक वैल्यू आएगी जो कि उस सीरीज़ का 3रा टर्म होगा। तो c = a + b में क्या होगा, 0 + 1 और c की वैल्यू, c में 1 आ चुका है जो कि सीरीज़ का 3रा स्टेप है। अब हम इसको डिस्प्ले भी करा देंगे। तो हमने किया प्रिंट और यहाँ पर हम c को डिस्प्ले कराएंगे। तो c कॉमा, लाइन चेंज ना हो इसके लिए हम फिर से एंड इक्वल का यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। c की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब अगर हम थोड़ा देखें तो हमने क्या कर लिया है, समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि स्टार्टिंग में हमने 0 छाप लिया 1 छाप लिया और उसके बाद हमने 3रा स्टेप जो है 1 3रा, इन दोनों का एडिशन जो है वो छाप लिया। अगर हम गौर से देखें तो ये हमारी ए की वैल्यू है, ये हमारी बी की वैल्यू है और ये हमारी सी की वैल्यू है। तो ये ए बी सी 3 वैल्यू हो गई। अब हमें अगर देखा जाए तो हमें अभी 1 1 का ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए हमें डी लेना पड़ेगा और हम इन दोनों का ऐड करेंगे, जिसमें स्टोर होगा 2।
फिर उसके बाद हमें टू और वन का ऐड करना पड़ेगा, ये लास्ट के टू टर्म होंगे, तो इनका हमने अगर ऐड किया तो फिर वो एडिशन आएगा थ्री, और उसके लिए फिर से हमें एडिशन को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा ई। अगर हमने ऐसा किया तो हम अपने प्रोग्राम में बहुत सारे वेरिएबल ले लेंगे जो कि हमें ऐसा नहीं करना है, और हमें ये पता भी नहीं कि हमें ऐसा कब तक करना पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसके सॉल्यूशन के लिए अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो हम क्या कर सकते हैं, हमने ए बी सी ये तीन बना लिए हैं, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, यानी कि बी और सी का एडिशन करना है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि जो बी है इसको ए बना दें, यानी कि अगर हम किसी भी तरीके से बी को ए बना लें और जो हमारा सी है इसको अगर हम बी बना दें तो हम क्या कर सकते हैं, हम वापस से ए बी का ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बी अगर ए बन गया तो जो बी की वैल्यू है वो ए में आ जाएगी और जो सी की वैल्यू है वो बी में आ जाएगी। ऐसा करने से ए बी का ऐड करेंगे और एक फिर से तीसरा स्टेप बनेगा, अगला स्टेप बनेगा जिसको हम सी में स्टोर कर लेंगे और वो होगा हमारा टू। उसके बाद अगर हम फिर से अगली बार ये रिपीट करें प्रोसेस को, यानी कि बी को हम ए बना दें और सी को हम बी बना दें, तो ऐसा करने से क्या होगा कि फिर से वो ए बी का ऐड करेगा और सी बनाएगा और वो सी होगा हमारा टू और वन का एडिशन, यानी कि थ्री। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू करते जाएं, यानी कि बी को ए बनाते जाएं और सी को बी बनाते जाएं, और बार बार से उसी ए बी का एडिशन को रिपीट करते जाएं, तो हमारा काम आसान हो सकता है। यानी कि अब हम ऐसा क्या करें कि बी ए बन जाए सी बी बन जाए, तो ऐसा करने के लिए हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हमें बी को ए बनाना है, यानी कि ए इज़ इक्वल टू बी। इससे क्या होगा, जो बी की वैल्यू है वो हमें ए में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हमें बी को सी बनाना है तो हम लिख देंगे बी इज़ इक्वल टू सी, इससे सी की वैल्यू बी में स्टोर हो जाएगी। हमेशा राइट साइड से वैल्यू लेफ्ट साइड फ्लो होती है, क्योंकि इक्वल का जो एसोसिएटिविटी होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो वैल्यू देने वाला है वो राइट में रहेगा और जो लेने वाला है वो लेफ्ट में रहेगा। तो इस तरीके से ए इक्वल बी और बी इक्वल सी हमने यहाँ पे लिख दिया, तो बी की वैल्यू ए में चली जाएगी और सी की वैल्यू बी में चली जाएगी। ओके, तो अब हम थोड़ा ध्यान दें, तो हमने एडिशन किया, तीसरा स्टेप डिस्प्ले किया, उसके बाद अदला बदली की। अब हमें क्या करना है, वापस से एडिशन करना है और फिर अगली वैल्यू को डिस्प्ले करना है, और उसके बाद फिर से हमें अदला बदली करनी होगी, फिर से हमें ऐड करके डिस्प्ले करना होगा। तो हमने थोड़ा ध्यान दें, ये प्रोसेस हमारी अभी रिपीट होने वाली है, ऐड करो प्रिंट करो अदला बदली करो, ऐड करो प्रिंट करो अदला बदली करो। तो हम क्या करेंगे, इन चारों स्टेटमेंट को लूप के अंदर डालने वाले हैं, तो इसीलिए इस सीरीज़ में हमें लूप चलाना पड़ता है। तो हम लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज, ऐसे हमारा लूप चलता है पाइथन में, फॉर आई इन रेंज, और हम ब्रैकेट में लिखेंगे वन से लेके एन तक, क्योंकि हमें एन स्टेप डिस्प्ले करने हैं, तो हम लिख देंगे वन कॉमा एन ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर कॉलन साइन। तो हमारी ये जो प्रोसेस है ये हमें रिपीट करनी है, तो हमें इसको इंडेंटेशन में रखना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता होगा कि पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हम इन सारे स्टेटमेंट को, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट लूप के अंदर ही हैं, तो हम इन सभी को इंडेंटेशन में रखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर वो ऐड करेगा, प्रिंट करेगा, अदला बदली करेगा, फिर ये रिपीटेशन मोड में होगा क्योंकि लूप में है, फिर नेक्स्ट टाइम अंदर आएगा, फिर ऐड करेगा, प्रिंट करेगा, फिर अदला बदली करेगा, फिर ये दोबारा से अंदर आएगा क्योंकि लूप में है। तो जब तक इसकी कंडीशन ट्रू है लूप की, तब तक ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। तो अगर हम थोड़ा ध्यान दें, हमारा प्रोग्राम लगभग बन चुका है, स्टार्टिंग के दो स्टेप यहाँ से डिस्प्ले हो गए, उसके बाद हमने बाकी के जो स्टेप हैं वो यहाँ से डिस्प्ले कराए हैं। तो अगर यूज़र ने एन में 5 डाला तो दो स्टेप यहाँ से आ गए, हमें सिर्फ 5 स्टेप देने हैं, तो दो स्टेप यहाँ से हो गए, तो अब हमें बाकी के 3 और देने हैं। तो ये जो अभी फॉर लूप है ये चल रहा है 1 से लेके एन तक, अगर हमने एन की वैल्यू को 5 एज्यूम किया है तो ये लूप 1 से लेके एन यानी कि 5 तक चलेगा। तो आपको पता होगा कि पाइथन में जो लूप होता है वो एक कम चलता है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू अगर 5 है तो 4 तक चलेगा, यानी कि वो 1 2 3 4 टाइम चलेगा। तो 4 स्टेप यहाँ से डिस्प्ले होंगे और 2 स्टेप यहाँ से, यानी कि हमारे 6 स्टेप हो रहे हैं, पर हमें सिर्फ 5 स्टेप ही चाहिए क्योंकि यूज़र ने एन की वैल्यू में 5 डाला है, उसे सिर्फ 5 टर्म चाहिए। तो हम क्या करें, तो हम पीछे से एक टर्म घटाएंगे, तो पीछे से एक टर्म घटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लूप में लिख देंगे एन माइनस 1। ऐसा लिखते ही क्या होगा कि हमारा जो लूप है वो एक कम चलेगा और यहाँ से एक स्टेप कम आएगा, और ये दो स्टेप मिल करके हमारे सारे स्टेप उतने ही हो जाएंगे जितना यूज़र की डिमांड है। तो इस तरीके से हम फिबोनाची सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं, दो स्टेप यहाँ से आएंगे, बाकी के बचे स्टेप यहाँ से आएंगे, लास्ट के टू टर्म का एडिशन अगला स्टेप होना था, तो यहाँ से लास्ट का टू टर्म का एडिशन यहाँ प्रिंट होता रहेगा और ये अदला बदली करता रहेगा और ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम बन चुका है। हम लोग इसको एक बार रन करके देखेंगे कि कैसे ये प्रोग्राम रन होता है। तो हमने F5 प्रेस किया क्योंकि ये शॉर्टकट होता है, तो हमने ओके किया। ये हमसे फाइल सेव करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पर फाइल को सेव कर देंगे। तो हम यहाँ पर कोई भी नाम देंगे, जैसे कि हम यहाँ पर नाम देते हैं फिबो, तो
तो फिबो डॉट पी बाई यहाँ पर हम देते हैं, क्योंकि पाइथन की फाइल के एक्सटेंशन का नाम डॉट पी बाई होता है, तो फिबो डॉट पी बाई। तो हमने इसके बाद इसे एंटर किया, ये सेव हो गया और यहाँ पर रन आ गया। एंटर योर टर्म्स, ये पाइथन सेल है, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन होता है। तो हम यहाँ पर टर्म डालेंगे 5 और हम एंटर करेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे 5 स्टेप आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आया क्योंकि हमने वहाँ पर स्पेस दे दिया था, तो हम देखो चाहे तो उसको हटा सकते हैं स्पेस को। तो ये जो अपने आप ऑटोमेटिकली एक एक दे रहा है स्पेस यहाँ पे, तो अगर हमें यहाँ पर भी स्पेस कंसीडर करना है तो हम यहाँ पर भी स्पेस देंगे और यहाँ पर भी एक स्पेस दे देंगे, जिसकी वजह से हमें अब इक्वल स्पेस वहाँ पे दिखाई देगा। तो हम दोबारा से रन करते हैं, हमने F5 प्रेस किया, हमने 6 स्टेप डाला, हमें अब डालेंगे 6 स्टेप। तो अभी हमारे सीरीज के 6 स्टेप आएंगे, तो अभी काफ़ी गैप थोड़ा सही लग रहा है और सीरीज के 6 स्टेप डिस्प्ले हो रहे हैं, 3 और 3 6। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम फिबोनाची सीरीज़ का है और आपने देखा कि ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। आशा करता हूँ आपको ये फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।